निर्माण में लापरवाही व सतत मॉनिटरिंग किए जाने की मांग को लेकर दुर्ग ग्रामीण कांग्रेस के नेतृत्व में पुलगांव मिनी माता चौक में सड़क पर बैठकर प्रदर्शन किया गया। साथ ही अपनी मांग को लेकर जिलाधीश को ज्ञापन सौंपा गया। सड़क निर्माण में लगातार हो रही लापरवाही व सतत मॉनिटरिंग सहित नियम अनुसार कार्य किए नहीं जाने से आक्रोशित दुर्ग कांग्रेस ग्रामीण के सक्रिय सदस्य द्वारा बुधवार को दुर्ग के पुलगांव चौक स्थित मिनी माता चौक पर आक्रोश जताया गया। साथ ही जमीन पर बैठकर धरना प्रदर्शन किया गया। गौरतलब है कि सड़क चौड़ीकरण को लेकर नेहरू नगर से पुलगांव तक किए जा रहे कार्यों में लापरवाही के साथ ही घटिया सामग्री इस्तेमाल किए जाने से नाराज ग्रामीण कांग्रेस के सदस्यों ने अपना विरोध जताया और साथ ही 6 सूत्री मांगों को लेकर दुर्ग जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे व जिलाधीश के नाम ज्ञापन सौंपा। इस संबंध में न्यूज टीम को शामिल लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। ग्रामीण से है और दुर्ग ग्रामीण में लगातार अवैध कार्य हो रहे हैं। अवैध कार्य में ये हो रहा है कि लगातार मुरुंग की जगह मिट्टी डाला जा रहा है, दोनों साइड गड्ढा खंदे हुए हैं, लगातार दुर्घटना हो रही है। अभी एक आर्मी सिपाही का दुर्घटना हो गया, दुर्घटना से मौत हो गया और लगातार यहाँ पे यातायात प्रशासन भी कुछ नहीं कर रही है, ना जिला प्रशासन कुछ नहीं कर रही है। दोनों साइड गड्ढे खन दिए हुए हैं जिससे गाड़ी वगैरह चलने में दिक्कत और परेशानी आ रही है और इसके चलते दुर्घटना लगातार बढ़ रही है। तो इसलिए हम आज जिला प्रशासन कलेक्टर महोदय को आवेदन दिए हैं, अगर ये आवेदन आज स्वीकार किए हैं, अगर इसमें नियमित कार्यवाही नहीं होती तो हम इसके बाद उग्र आंदोलन करेंगे। अभी आज हम शांतिपूर्वक आंदोलन किए हुए हैं। अवैध काम में ये हो रहा है, मुरुम की जगह मिट्टी डाला जा रहा है और न डाइवर्सन में सही टाइप से कुछ उपयोग किए जा रहे हैं और दुनियादारी तमाम प्रकार की बहुत सारे अवैध काम हो रही है, उसके खिलाफ हम लोग आज कार्रवाई के लिए अपमान। ग्रेट एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।